फर्जी संतोष टंडन ने प्रपत्र तैयार कर 25 करोड़ की जमीन का एग्रीमेंट करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बरेली में मृत व्यक्ति के फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार करने के बाद उसके नाम दर्ज जमीन का फर्जी एग्रीमेंट करने के आरोप में पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव तीलियापुर निवासी ख्वाजुद्दीन पुत्र फहीमुद्दीन, मथुरापुर निवासी बबलू कश्यप पुत्र कुंदन लाल और भुता थाना क्षेत्र के गांव सहजनपुर हेतराम निवासी राजू उर्फ राजदीप पुत्र सतीश चंद्र को पुलिस ने फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार कर जमीन का एग्रीमेंट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 23 नवंबर को इज्जत नगर थाना क्षेत्र के जनकपुरी आवास विकास निवासी प्रिया टंडन पुत्री स्वर्गीय संतोष टंडन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता संतोष टंडन की सन 2003 में मौत के बाद उनके नाम दर्ज जमीन का कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से प्रपत्र तैयार कर एग्रीमेंट कर दिया है। इसी दिन पीलीभीत के मोहल्ला डोरी लाल निवासी अर्पित कुमार अग्रवाल पुत्र अजय अग्रवाल ने भी इसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई। 8 लाख के चेक थे, 35 लाख रुपए को वापस करते। तुम्हें कितना मिला? 35 लाख। 35 लाख कब से करते आ रहे थे ये काम? वो वापस करते हुए। अच्छा, जमीन कहाँ की दिखाई थी? फरीदाबाद चौधरी। जमीन किसकी थी? संतोष टंडन। आपको कैसे संतोष टंडन बनाया गया? किसने कहा था आपसे बनने के लिए? कुछ मिलने वाला है। क्या नाम है उसका? कितना समय लग गया संतोष टंडन बनने में? समझ लग गया, करीब 1 साल लग गया। 1 साल लग गई ये मेहनत करी? खर्चा किसने झेला आपको? खर्चा भी सब मिलने वाला नहीं है। अच्छा, इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली गई थी? किस तरीके की ट्रेनिंग? कॉपी कैसे की थी सब चीज़ पूरी कर? कौन सी पिक्चर देखी थी? कोई सी पिक्चर नहीं थी। पिक्चर आप खुद बनाते थे? हम खुद बना रहे। नहीं, बोल तो दिया, पैसा वापस कर दिया मैंने। रजिस्टर में उसमें एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है कि मेरा सारा पैसा वापस हो गया, मैं एग्रीमेंट वापस कैंसिल कराता हूँ। तो मैं बनाया इस फिल्म का हीरो? जैसा लगना चाहिए वैसे लग रहा। अब सही लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा तो सही है। बड़ा खुलासा हो रहा है, एक ठग पकड़े गए हैं, किस तरीके से वो ठगी की घटना को अंजाम देते थे? देखिए, नवंबर महीने के 23 तारीख को थाना इज्जत नगर जनपद बरेली में 2 मुकदमे लिखे गए। मुकदमा संख्या 862 और 863। जो मुकदमा संख्या 862 है उसमें तहरीर प्राप्त हुई, जो वादिनी थी उनका नाम श्रीमती प्रियंका टंडन, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पिताश्री स्वर्गीय संतोष कुमार टंडन, जो कि 2003 में मर चुके थे, उनकी जगह और उन्हीं के नाम से एक व्यक्ति संतोष कुमार टंडन बनकर, जिसने कूट रचना करते हुए पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोला और उसी के साथ साथ एक ज़मीन का उन्होंने पहले मुख्तारे आम कराया और उसके उपरांत एक एग्रीमेंट तक करवा लिया। तो इस प्रकार इस मुकदमे में श्रीमती प्रियंका टंडन के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। और दूसरा मुकदमा इसी फर्जी संतोष कुमार टंडन द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें एक बिजनेसमैन जो कि पीलीभीत के रहने वाले हैं उनके साथ में नकली संतोष कुमार टंडन व उसके गैंग ने लगभग 50 लाख रुपए का फ्रॉड करते हुए एग्रीमेंट के उपरांत 50 लाख रुपए फ्रॉड से उन्होंने ले लिए इन बिजनेसमैन से। तो इस धोखाधड़ी पे भी एक मुकदमा हुआ, 863/24 थाना इज्जत नगर। इन दोनों ही मुकदमे में जो फर्जी संतोष कुमार टंडन है उसे आज हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। उसका असली नाम राजू उर्फ राजदीप है, वह बरेली के ही भुता थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके साथ में 2 और व्यक्तियों को अभी हम जेल भेज रहे हैं। एक का नाम बबलू कश्यप है और दूसरे का नाम ख्वाजुद्दीन है। दोनों ही सीबीगंज इलाके के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के। और इसमें पूछताछ में जो अभी तक आया है वो इस प्रकार है कि इन दोनों व्यक्तियों ने, बबलू कश्यप और ख्वाजुद्दीन, इन दोनों ने मिलकर इस व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम राजू है। इसको संतोष कुमार टंडन बनाया गया, इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करे गए
और इसको आगे करके ये धोखाधड़ी का काम किया है। आज हम तीन लोगों को भेज रहे हैं, इसमें वृहद विवेचना होगी और आगे जैसे जैसे विवेचना होगी, जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आएंगे, और भी कई लोगों को इसमें जेल भेजा जाएगा। एक जानकारी में आया है कि इन्होंने एक साल तक लगभग पूरा ट्रेनिंग दी कि संतोष टंडन किस तरह से उठते थे, बैठते थे, क्या करते थे, वो भी पूरा पिक्चर को देख के किस तरह से इन्होंने पूरा बताया है। इन लोगों की पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने भी कई मूवीज़ देखी और उसके अंदर जिस प्रकार से किसी और के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा करके और उसको पूरी तैयारी दी गई, तैयार किया गया, संतोष कुमार टंडन बना के उसको पूरा रटाया गया कि उसके फैमिली में कौन कौन है, कब वो पैदा हुए थे, कब वो बरेली से लखनऊ गए और उनके फैमिली के अन्य डिटेल्स, ये सारी तैयारियां इन इस गैंग के द्वारा कराई गई। राजू को संतोष कुमार टंडन बनने के लिए कितना लालच दिया गया? अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि इनका पूरे गैंग का परसेंटेज फिक्स था कि यदि ये इस धोखाधड़ी में कामयाब होते हैं तो इनके अलग अलग परसेंटेजेस फिक्स थे। अभी तक की जो विवेचना है उसमें सामने आया लगभग 2 लाख रुपये इस फर्जी संतोष कुमार टंडन राजू को दिए गए। तो ये माना जाए कि ये बड़ा गैंग है और क्या पता पूछताछ में पता चले तो आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अभी ये फर्स्ट स्टेज है और इसमें आने वाले टाइम में और बृहद और गहन विवेचना की जाएगी और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि कूट रचना में धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हैं उन सभी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।